जाएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। इतनी काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो गई हमारी, आपका सारे कंसर्ट भी रिवर्स वापस रिवर्ट हो गए, रिवाइज भी हो गए। चलिए अब आने वाले नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको एक बार ध्यान से सारी बातें सुनना है, समझना है, ठीक है? होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चैप्टर बहुत ही ईजी है, बट आपने अभी तक एक भी बार पढ़ा नहीं है इसको, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, बट मैं जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए एक बार वॉइस वीडियो क्लियर है सबको? यस सुनो बता दो। यस ओके फाइन। चलिए अभी हम सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले सेशन में हमने देखा था कार्बन के बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कार्बन की दो मेन प्रॉपर्टीज थी आपकी कैटेनेशन और टेट्रावेलेंट, जिसकी वजह से कार्बन चार अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ सकता है। और इसके साथ हमने देखा था कि बॉन्ड किसे कहते हैं, यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है? वो सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी का जो लेसन है, अभी का जो डिस्कशन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाउ मैनी कार्बन बॉन्ड पॉसिबल विथ अदर कार्बन, ध्यान से देखना। हाउ मैनी कार्बन बॉन्ड पॉसिबल विथ अदर कार्बन, ठीक है? मैं चार अलग अलग पॉसिबिलिटीज ले रहा हूँ। चलिए एक कार्बन ले लिया और एक इधर ले लिया कार्बन, एक इधर ले लिया कार्बन, एक इधर ले लिया, फिर एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, और एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ध्यान से देखना। चलिए अब क्या किया मैंने, एक दो तीन और चार, 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 ठीक है? चलिए और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ओके अभी ये हम ले रहे हैं केस 1, केस 1 देखना। ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है, ठीक है? और ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। तो यहां पे कैसा होगा, अगर मैं इसका सिंबल बताऊं तो इस तरीके से बनेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है? अच्छा अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, 1 2 3, इसकी 3 वैलेंसी कैसी है, फ्री है। सेम वे अब इसका भी देखोगे तो 3 वैलेंसी कैसी है, फ्री। ओके फाइन। चलिए केस 2 ले लेते हैं, सिर्फ सुनते जाना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सुनते जाना आप लोग। ये कार्बन ने दिया इसको इलेक्ट्रॉन और इसने भी इसको शेयर किया, ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ दो बॉन्ड से कैसा है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से
कनेक्टेड। कितनी वैलेंसी फ्री है इसकी? टू वैलेंसी फ्री है। और इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? टू वैलेंसी फ्री है, ठीक है। चलिए, ये डबल बॉन्ड हुआ। अब इसमें देखना, यहाँ पे शेयरिंग हुई, 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 यहाँ पे शेयरिंग हुई। मतलब ये कार्बन तीन बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, थ्री बॉन्ड शेयरिंग, ठीक है। और उसकी एक वैलेंसी, ये वाली वैलेंसी कैसी है? वन वैलेंसी फ्री, वन वैलेंसी फ्री, ओके। और इसमें देखो, शेयरिंग हुआ, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चार वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, फोर बॉन्ड शेयरिंग, ठीक है। इसमें ज़ीरो वैलेंसी फ्री, ज़ीरो वैलेंसी फ्री। और मैं आपको बता दूं, ज़ीरो वैलेंसी फ्री वाला कार्बन आपको कभी भी नेचर में, एटमॉस्फेयर में, केमिस्ट्री की बुक में आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन अपनी चारों की चारों दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर देगा तो वो चेन कैसे बना पाएगा, आप मुझे बताओ। क्या एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपनी चारों वैलेंसी शेयर कर देगा तो क्या वो चेन बना पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपको चार बॉन्ड वाला कार्बन नहीं मिलेगा। वो दूसरे हाँ, में से लेके भी कर सकता है ना उसके चारों। हाँ, बट उसकी चारों की चारों वैलेंसी यूज हो गई ना दूसरे कार्बन के साथ, अब तो सवाल ही नहीं बनेगा। देखो, यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे कार्बन था, एक दो तीन और चार, मतलब अभी इसके पास कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। तो अपनी चारों वैलेंसी उसने क्या कर दी? दूसरे कार्बन को दे दी। और दूसरे कार्बन ने भी क्या कर दी? अपनी चारों वैलेंसी पहले वाले कार्बन को दे दी। अभी इनके पास बचेगा तो कुछ चेन बनेगी। ये दोनों तो ब्लॉक हो गए, यहाँ पे ही ब्लॉक हो गए, ठीक है। इनके पास कोई वैलेंसी नहीं बच रही इधर इधर, इसीलिए ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चार बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कंपाउंड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए आपकी बुक में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, ठीक है। ये रहा सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ वापस। अब इसको कैसे दिखाना है? सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, शॉर्ट में लिखा है। देखो इसको कैसे दिखाना है आपको? ऐसे दिखाना है, एक कार्बन और ऐसे ये लाइन कर दिया। मतलब ये वैलेंसी कैसी है? फ्री है, ठीक है। डबल बॉन्ड में देखो, ठीक है, ये कैसी वैलेंसी? फ्री वैलेंसी है। और ट्रिपल बॉन्ड में देखो, जो लाइन कर दिया वो वैलेंसी फ्री है। अब आई बात समझ में, आपको कैसे दिखाना है कार्बन, समझ में आएगा? किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ मुझे। अगर यहाँ पे चलो फोर बॉन्ड कार्बन होता तो ऐसा हो जाता क्या? यहाँ पे कोई वैलेंसी फ्री बचती? नहीं, फ्री बचती नहीं। जैसे देखो इसमें बच रहा है, एक दो तीन और चार, इसके लिए देखो एक दो तीन और चार, हर एक कार्बन के पास चार वैलेंसी आनी चाहिए। देखो इसके पास, देखो फर्स्ट कार्बन
सेकंड कार्बन फर्स्ट की बात करूँ तो एक दो तीन और चार हो गया चार। सेकंड का देखो एक दो तीन और चार देखो हो गया। मतलब पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हर एक कार्बन को चार मिलने ही मिलने चाहिए, चाहे आप डबल बॉन्ड लगाओ ट्रिपल लगाओ चार बॉन्ड लगाओ, बट चार अपने बॉन्ड लगा दिए तो ये कार्बन ब्लॉक हो जाएंगे। अब ये कार्बन दूसरे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि अपने चारों एक कार्बन ने अपना पूरा जोर लगा दिया दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने में, अभी उसके पास किसी और के पास जुड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ वैलेंसी उसने फ्री छोड़ी होती तो ये कुछ कर पाता, चेन बना पाता, अब पॉसिबिलिटी नहीं है तो ब्लॉक हो गया कार्बन। प्रियांशी नहीं समझ में आया अभी भी? थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, आगे देखते जाओ, आ जाओ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट जनरली आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, या तो फिर तीन बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने लायक नहीं बचेगा, किसी और के साथ जोड़ नहीं पाएगा, ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, चेन नहीं बना पाएगा, ठीक है। बॉन्ड किसे कह दूँ अभी फिर से बता दूँ एक बार, किसी को नहीं समझ में आया तो, इसे हम बॉन्ड कहते हैं, ये बॉन्ड है जो लाइन कहते हैं ना, ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड, ये कैसा हुआ सिंगल बॉन्ड, और ये कैसे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जितने बॉन्ड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, देखो यहाँ पे ये तीन इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये तीन इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ये तीन इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है। जितने बॉन्ड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्या हो रहा है शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो दो इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और दो इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, आप यहाँ पे देख ही चुके हो, मतलब जितने बॉन्ड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अगर आपका एक बॉन्ड है तो उसके सामने दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, देख सकते हो आप, ये पहला और दूसरा। अगर आपके दो बॉन्ड हैं तो चार इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, देख सकते हो आप, एक दो तीन और चार। अगर आपके तीन बॉन्ड हैं तो छह इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, देख सकते हो, तीन इसके और तीन इसके, तीन और तीन हो गए छह। इसमें देखो एक दो तीन और चार, चार इसके और चार इसके, चार और चार कितना हो गया आठ। अगर चार बॉन्ड होते, वैसे जनरली होता नहीं है, तो आठ इलेक्ट्रॉन शेयर होते। बात पकड़ पा रहे हो, बात समझ में आ रही है आपको? बच्चे बोलते नहीं कुछ। ओके, अब आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कार्बन के बारे में डिस्कस किया अभी, अभी हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ थोड़ा सा हाइड्रोजन ऐड करने वाले। अगर आपने कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो यहां पे क्या बनेगा देखना। क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, HC, हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। कार्बन हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, बोल सकते हो, बट जनरली हाइड्रोकार्बन ही बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रो कार्बन, इसका कुछ पार्ट ले लिया हमने, हाइड्रो ले लिया और इसका कार्बन ले लिया, मतलब दोनों का नाम मिक्स कर दिया हमने ताकि आपको कार्बन हाइड्रोजन ऐसा ना बोलना पड़े, सीधा आप क्या बोलोगे हाइड्रोकार्बन्स, और उसको भी शॉर्ट में कर दिया एच सी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? तो अब हाइड्रोकार्बन ये वर्ड सुन के आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको समझ जाना है कि ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही होंगे, राइट। अब इसकी तीन दो दो कैटेगरी है, पहली है सैचुरेटेड और दूसरी है अनसैचुरेटेड। समझाऊंगा मैं आगे, अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। अच्छा देखो, अब इसमें देखो, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से, तो इसको क्या बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक दो तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड से है एक दो, तो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड से है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीन बॉन्ड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो बॉन्ड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है, किसे सैचुरेट बोलना है किसे अनसैचुरेट बोलना है, समझ पा रहे हो? यस। अरे भाई कितने सारे बच्चे हैं, किसी एक की आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा है कि सब सो रहे हैं। युक्ति, तक, श्रद्धा, शिवांग, राधिका। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। प्रियांशी, प्रिंस, खुशी, जैनी, दिग्विजय। मैं तो बोल रहा हूँ। यस सर। यस सर। ओके, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलना है सैचुरेट और डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलना है अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। अब देखो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। बुक में थोड़ा ही दिया है बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब जैसे आपके घर में, मतलब हर एक घर की बात करूं मैं, तो आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई छोटा बच्चा है या इस दुनिया में कोई भी हो, कुछ भी है, ठीक है, हमने क्या किया हुआ है उसका नाम दिया हुआ है। हर चीज़ को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं उसको एक नेम देते हैं, जिसको नाउन बोला जाता है, और वो वही नाम उसकी पहचान बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। और जैसे आपने देखा होगा क्लास में, अब मैं हमारी क्लास की बात करूं, तो अगर मैं प्रिंस को बुलाऊंगा तो यहाँ पे दो प्रिंस एकदम से आएंगे सामने, एक प्रिंस नवोदय वाला और एक प्रिंस जलाराम वाला। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि तक्स, तो जब मैं तक्स बोलूंगा तो तक्स ही मुझे रिप्लाई करेगा, प्रिंस नवोदय और प्रिंस जलाराम मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं तक्स नहीं हूँ, राइट। तक्स को पता है कि मैं तक्स हूँ और मुझे रिप्लाई देना है, मतलब इस दुनिया में हर चीज़ को हमने नाम दिया है और वही नाम उसकी क्या बन जाती है आइडेंटिटी बन जाती है और उसी नाम से वो जाना जाता है। सेम चीज़
कार्बन के बारे में आपने देखा कि कार्बन क्या करता है, एक कार्बन के साथ जुड़कर, एक कार्बन हजारों करोड़ों लाखों खरबों अरबों कार्बन के साथ जुड़कर नए नए कंपाउंड्स बनाता है। तो हमें उन कंपाउंड का नाम देना होगा ताकि हमें समझ में आए कि ये कार्बन यहाँ पे यूज़ में आएगा या ये कार्बन का नाम ये है। ठीक है, अगर 5 कार्बन होंगे तो इसका नाम ये रखना है, 6 कार्बन होंगे तो इसका नाम ये रखना है, 7 कार्बन होंगे तो ये रखना है, ताकि हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन कार्बन की जब ज़रूरत पड़े तो सब कार्बन को उठाना लेके आ जाएं, उन्हीं कार्बन को लेके आएं जिसकी हमें ज़रूरत है। इसीलिए हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसको नाम देना पड़ेगा। जैसे कोई घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी मतलब उसके पापा की बहन, उसकी फोई आती है और उस बच्चे का नाम रखती है, और फिर क्या करते हैं, हम उसको उसी नाम से बुलाते हैं और वही नाम उसका लाइफ टाइम तक क्या हो जाता है, उसका आइडेंटिटी बन जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कार्बन को नाम देंगे कि अगर एक कार्बन है तो हम उसको उस नाम से बुलाएंगे, 2 कार्बन है तो उसको हम उस नाम से बुलाएंगे, 3 कार्बन है तो ये नाम रहेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अब कोई यस और नहीं बोलेगा। yes. बात समझ पा रहे हो? yes. हमें नाम क्यों देना है समझ में आ रहा है? ओके yes. नाम देने की जो प्रक्रिया है, नाम देने का जो प्रोसेस है, नेम गिविंग प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू द कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। अब छोटे बच्चे का नाम कौन देती है, उसकी बुआ देती है, या हम बोलते हैं गुजराती में फोई। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड है उनका नाम देने के लिए भी एक बॉडी को रखा गया है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ही काम है कि कार्बन के कंपाउंड को नाम दिया जाए, उसका नाम है IUPAC। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे किसी छोटे बच्चे का नाम हमारे घर में रखते हैं सब लोग, सेम टू सेम यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है जिसका काम क्या है कि कार्बन को नाम देना। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यहाँ से आई आ गया, यहाँ से U आ गया, यहाँ से P आ गया, A आ गया और C आ गया, IUPAC। मतलब कार्बन की बुआ बोल सकते हो आप इसको, कार्बन की बुआ जो उसको नाम दे रही है, राइट? समझने के लिए से बोल सकते हो ये कार्बन की बुआ है, या कार्बन को नाम देने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी कोई बॉडी है जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड को नाम देना। अब उन्होंने क्या किया है, कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं कि हमें कार्बन के नाम कैसे देने हैं, राइट? अब ध्यान से देखना, आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 7
आठ नौ दस, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो उसको बोलना है मीथ, मीथ, क्या बोलना है मीथ। डबल कार्बन होंगे उसको बोलना है ईथ, ईथ। तीन कार्बन को बोलना है प्रॉप, चार को बोलना है ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेग्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नैन और दस को डेक, ठीक है। एक कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे मीथ, दो को बोलेंगे ईथ, तीन को बोलेंगे प्रो, चार को बोलेंगे ब्यूट, पांच को बोलेंगे पेंट, छह को बोलेंगे हेक्स, सात को बोलेंगे हेप्ट, आठ को बोलेंगे ऑक्ट, नौ को बोलेंगे नैन और दस वाले कार्बन को बोलेंगे डेक। क्लियर हुआ? कितनी बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे ये आपका पहला रूल था। सेकेंड रूल, अभी हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन में क्या थी, दो कैटेगरी थी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसमें भी दो कैटेगरी थी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक ही कैटेगरी थी, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ओके। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्केन। क्या कहेंगे हम? अल्केन। डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन क्या कहेंगे हम? अल्काइन। अब मैं यहां पे कुछ लाइन कर रहा हूं, जब भी ये ए एन ई लिखा आ जाए तो समझ जाना सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, जब भी ई एन ई लिख के आ जाए तो समझ जाना डबल बॉन्ड की बात हो रही है, और जब भी वाई एन ई लिख के आ जाए तो समझ जाना ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। अल्कीन, अल्की, अल्केन, देखना अल्केन है ये, अल्केन, अल्कीन और यहां पे अल्काइन, अल्काइन। नाम में फर्क रखा हुआ है, देखो अल्केन है, केन मतलब ए एन ई आ रहा है, देखो लास्ट में क्या आ रहा है पीछे, यहाँ पे पीछे क्या आ रहा है? ए एन ई आ रहा है। इसमें पीछे क्या आ रहा है? ई एन ई आ रहा है। और इसमें पीछे क्या आ रहा है? वाई एन ई आ रहा है। तो ये वर्ड आपको फाइंड करने में हेल्प करेंगे कि ये ए एन ई आया मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात हो रही है, ये ई एन ई आया मतलब डबल बॉन्ड कार्बन की बात हो रही है, और ये वाई एन ई आया मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात हो रही है। अब देखना, मैंने क्या बोला था, एक कार्बन है तो उसको क्या बोलना है? मीथ, ठीक है। अगर मैंने इसके पीछे लगा दिया ए एन ई, इसका मतलब क्या हुआ? मीथ मतलब मुझे एक कार्बन लेना है और ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड लेना है। अगर मैं ऐसा लिखूं प्रोपाइन, अगर मैं ऐसा लिखता हूं प्रोपाइन, तो आपको यहां समझ जाना है प्रो
अब देखो प्रो मतलब क्या था, पबजी वाला प्रो मत समझ जाना आप लोग, यहाँ पे प्रो की बात अलग हो रही है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रो मतलब कितने कार्बन लेने हैं आपको, 3 कार्बन लेने हैं। ये प्रो मतलब 3 कार्बन, और वाई एनी आप देख सकते हो, वाई एनी मतलब आपको 3 बॉन्ड लेने। ऐसा बोलूँ मैं, हेक्सीन, हेक्सीन तोड़ दिया, देखो वाई एनी और एच एक्स सी, तो हेक्स मतलब 6 कार्बन लेना है और ई एनी मतलब 2 बॉन्ड लगाने। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ब्यूटेन, जो आपके घर में गैस का बॉटल होता है उसमें ब्यूटेन भरा रहता है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन लेने हैं और ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 बॉन्ड लेना है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, नैनैन, चलो नैनिन ले लेते हैं, नैनिन, नैन मतलब 9 कार्बन और ई एन ई मतलब 2 बॉन्ड। आपने एक शैम्पू यूज़ किया होगा, शैम्पू का नाम ले रहा हूँ मैं इधर, पेंटीन। हाँ सर, पेंटीन, ई एन ई आ गया और पेंटीन मतलब हाँ 5 कार्बन और ई एन ई मतलब 2 बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हम जा रहे हैं, जो पाथवे मतलब ये जो 2 रूल्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, ये जो 2 रूल्स हैं वो समझ में आने चाहिए, ये आपका रूल फन था। ये रूल किसने दिए हैं, आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों रूल्स किसने दिए हैं, आयुपैक ने दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं बट अभी आपके लेवल तक मैं सिर्फ 2 ही रूल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जिसका नाम लिखूंगा वो मुझे बताएगा कितने बॉन्ड बनाने हैं और कितने क्या है। चलिए पहले बताएगा दिग्विजय, दिग्विजय बताओ, प्रियांशी, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। अच्छा आपको ये पता नहीं है कि किसको कितने कितने कार्बन हो तो क्या बोलना है, और ए एन ई है वो सर, उसमें 3 में थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए एक काम करो, पहले आप इसको देख लो, चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या एक काम करो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट सर स्क्रीनशॉट लो इसको, स्क्रीनशॉट लिया। हाँ सर। चलिए
अभी इसको सुन, अभी इसको सुन कर लो जल्दी से। लिलिया ओके, ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद वापस आ रहा हूँ, फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। एक मिनट नीचे करो ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऊपर नीचे, एक मिनट नीचे करो ना, ऊपर नीचे हो। यस डन, तो सर उसमें ए हो गया, ए एन ई है तो वन बॉन्ड, और ई एन ई टू, और वाई एन ई सर मेरा बाकी है, और वाई एन ई सर मेरा बाकी है। ओके चलो मैं, हाँ 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 ओके ओके ओके, हाँ बताओ प्रियांश। जैसे इसमें ए एन ई है तो वन, ऐसा नंबर वाइज है, ई एन ई मतलब टू, और वाई एन ई मतलब थ्री। ना 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 ना, ऐसा नहीं है,